गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अडर ट्वेंटी फोर सेवन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं आप सभी लोग हाँ जी फटाफट से लाइव आ जाइए भाई सभी लोग करते हैं शुरुआत फिर आज के दिन की और देखते हैं जरा आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से गुड मॉर्निंग उमेश वीर राजकुमार सुदामा पुरुषोत्तम गौतम पूजा प्रवीण विकास वीर रविंद्र आशिन ज्योति अनुषा त्रिवेणी आसिम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ओके सो रेडी सभी लोग हां जी रेडी सभी लोग फेस्टिवल खत्म हो चुका है आज सब लोग क्लास में आएंगे ऐसी मैं उम्मीद कर सकती हूँ कल तो बहुत सारे बच्चे फेस्टिवल मना रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई ठीक है आज भाई बहन का त्यौहार है तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे आज फटाफट से सब लोग क्लास में आने चाहिए लेकिन ठीक है एक बार इसे लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा सब लोगों के साथ में ताकि सब लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो सके ओके okay, सो so, राज मल्होत्रा भावनाओं में बहते हुए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भाई अलग से इनके तो दिल पे दिल भेजे जा रहे हैं गुलाबी दिल इतने सारे हो गया गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करते हैं शुरुआत फिर आज के हमारे सेशन के कुछ खूबसूरत से शब्दों के साथ में देखेगा विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको अपनी राय देंगे अरे तूने ये क्यों शुरू कर दिया अरे तो उस लाइन में जाता तो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है कभी भी किसी की भी बातों में आके अपने गोल को चेंज मत करना जो आपने शुरू किया है उसको ख़त्म करना इस संकल्प के साथ ही हमेशा आगे बढ़ना ठीक है तो फिर करते हैं शुरुआत फिर हमारी संकल्प की। गुड मॉर्निंग दिलीप गुप्ता भी भावनाओं में बहते आज क्या हो रहा है भैया लगता है तुम लोगों की बहनों ने बहुत लूटा है कल आज सबके सब बहते जा रहे हैं भावनाओं में हाँ <laughs> समझ सकते हैं <clears throat> चलो कोई बात नहीं वो बहनों का प्यार है साल में एक ही बार तो आता है हाँ अगे okay. सो so, जितने भी नए नए स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा सो so दैट आपको यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है जैसे कि जॉब अलर्ट सब्जेक्ट वाइज क्विजेज नोट्स आर्टिकल्स एवरीथिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यहीं से आपको ये इंस्टॉल करना है आप सीधा चलते हैं सवालों की तरफ ये क्या मैम मतलब पहला ही सवाल में खाने पीने की बातें यस yes, सुबह सुबह देखो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2023 सेलिब्रेट किया गया है नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है ये सेलिब्रेट किया गया है कि आपको खाना हमेशा न्यूट्रिशन वाला ही खाना चाहिए इस डे को मनाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए जिनका फोकस ज्यादातर किस चीज पे रहता है बर्गर पिज्जा है ना चाउमीन ये वो हमारे हरियाणा में अड़ंगा बोलते हैं इन चीजों को ठीक है तो ये अड़ंगा खाने पे ज़्यादा फोकस है आज की जनरेशन का तो ये जो वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है फर्स्ट से लेकर के सेवन ऑफ सितंबर तक इसको मनाया जा रहा है तो आपसे पूछा जाएगा क्यों मनाया जा रहा है सिंपल सी बात है अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जा रहा है कि आपको हमेशा न्यूट्रिशन वाला फूड ही खाना चाहिए हेल्थ पे फोकस करने के लिए क्योंकि हेल्थ जो है वो क्या है हमारा एस डी जी गोल है एस डी जी जो सेवनटीन गोल है टोटल 2015 के पेरिस क्लाइमेट में रखे गए थे ठीक है इन्हीं में से हेल्थ भी क्या है एस डी जी गोल है इसको भी हमने क्या करना है अचीव करना है ठीक है अब बात करते हैं ये मनाया कौन कौन इसको मनाता है कब से इसकी शुरुआत की गई तो मार्च मार्च 1953 के अंदर इसको पहली बार जो है सेलिब्रेट किया गया था मार्च 1973 के अंदर जो है पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया कौन इसको सेलिब्रेट करता है अमेरिकन डाइटेटिक ऑर्गेनाइजेशन है लिखेगा अमेरिक अमेरिकन डाइटेटिक एक क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसको मनाया जाना शुरू किया था ठीक है अब देखो जब भी बात न्यूट्रिशन फूड की आती है तो एक योजना हमारे देश में लागू की गई थी जिसका नाम है पीएम पोषण योजना ये पीएम पोषण योजना जो है जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था मिड डे मील हुआ करता था कब इसको लॉन्च किया गया था ये लॉन्च होती है उन्नीस सौ अगस्त को आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी जिसका आंसर जिसने कर दिया समझोंगी कि वाह ब्रिलियंट स्टूडेंट है कोई गूगल नहीं करेगा आप मुझे ये बताइए कि इस योजना को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट जो है ये कौन सा था ठीक है ये आपको बताना है तो इसमें क्या दिया जाता है छोटे बच्चे जो है उनको न्यूट्रिशन फूड दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ये प्रोवाइड करवाया जाता है जल्दी से मुझे वो स्टेट का नाम बता दो ये है बोम सवाल सबसे पहले आज का चलो तब तक हम चलते हैं सवालों की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट किया गया है थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त को ये मनाया जाता है फोटोग्राफी डे की बात करते हैं ये उन्नीस अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वोमेन्स इक्वालिटी डे ट्वेंटी सिक्स ऑफ अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ऑफ़ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एक ने तो हद ही कर दिया यूएसए बोल रहा है प्लूटो भैया इसी के लिए तुमको अलग कर दिया बाकी ग्रहों से तुम्हारी हरकतें ऐसी थी एक कह रहा पंजाब झारखंड यूपी अनुषा का आंसर करेक्ट है ये बच्ची का आंसर हमेशा सही होता है भाई सीखो कुछ तमिलनाडु होगा क्या होगा दीक्षा का आंसर भी करेक्ट है लड़कियों ने सबने आंसर सही किया है अच्छा अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बताइए वर्ल्ड फर्स्ट एथेनॉल पावर टोयोटो इनोवा कार लॉन्च एक ऐसी कार लॉन्च की गई है जो पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड है एथेनॉल के ऊपर बेस्ड रहेगी ये आप देख रहे हैं और ये कौन है हमारे नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने इस कार को लॉन्च किया है दुनिया की ये सिर्फ देश की नहीं है दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार को लॉन्च किया है पूछा जा रहा है किसने लॉन्च किया इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है आपको नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी के पास में ये मिनिस्ट्री आपको मिलती है अब देखो जब भी हम बात करते हैं एथेनॉल की ये क्या है ये क्या चीज है इसको कहा जाता है बायो फ्यूल इसको कहा जाता है इसको बनाने के लिए बेसिकली जिस चीज का यूज किया जाता है वो शुगर केन का इसका यूज करके यानी कि गन्ने से इसको बनाया जाता है इसका एक अल्टरनेट भी निकाला था जो था करेवा का पौधा करेवा का पौधा इससे भी यूज करके इसको बनाया जाता है तो आखिर इसका यूज किया क्यों जा रहा है क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है गैसेस के प्रभाव को कम करता है यानी कि नहीं छोड़ता है एमिशन नहीं करता सीओ टू का एमिशन नहीं करता है तो इससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो अच्छा बना रहेगा पॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा इसके लिए ये जो पॉलिसी है वो लॉन्च की गई थी अब सवाल देखते कौन आंसर करता है आप मुझे बताइए कि फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था एथेनॉल पॉलिसी को लॉन्च करने वाला फटाफट से फर्स्ट स्टेट जो है ये कौन सा बना था इस पॉलिसी को लाने वाला ये जो पॉलिसी है अगर मैं आपसे पूछूं किसके ऊपर बेस्ड है बायोफ्यूल के ऊपर बेस्ड है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जल्दी आंसर करो कौन बना था सबसे पहला वाला इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एथेनॉल के बारे में इंड्रेड के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था किसने मोदी जी ने इसमें बोला गया था कि आने वाले टाइम पे 2025 में हम पेट्रोल के अंदर मिक्स करेंगे एथेनॉल को वो भी कितना 20 परसेंट जो है मिक्स किया जाएगा कहा रह गई भाई आंसर फटाफट से हम्म ये देखो कर्नाटका हरियाणा बिहार अपने अपने स्टेट का नाम बताए जा रहे हैं सब का आंसर गलत है एक का आंसर सही एक का आंसर सही है फर्स्ट स्टेट जिसने एथेनॉल पॉलिसी को लॉन्च किया था ये कौन सा हो जाएगा दैट इज ओके okay, तो ये ध्यान रखिएगा कोई गड़बड़ मत करके चले आना बिहार इज योर करेक्ट आंसर चलो अब चलते हैं सीधा सवालों की तरफ चलते हैं बताइए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम अंडर प्रगति पैकेज नीति योजना ये किसने लॉन्च की थी बताइए इस योजना को किसने लॉन्च किया था बांग्लादेश के अंदर इसको लॉन्च किया था ये हमारे देश से ही दो हजार पंद्रह में आती है उसी पर ये बेस्ड है पीएम प्रणाम योजना मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है ये किसके ऊपर बेस्ड है इसमें आ, आ, गोल्ड यूरिया जो है ये लॉन्च किया गया था गोल्ड जो यूरिया है लॉन्च किया था कहाँ से राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ई व्हीकल पॉलिसी ई व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च करने वाला फर्स्ट स्टेट जो है ये कौन सा बना था आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए दिल्ली होना चाहिए बिल्कुल सही है अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है बाय यूएस रिपोर्ट तो कौन सी हो जाएगी लाहौर जो है ये सबसे पॉल्यूटेड सिटी है अकॉर्डिंग टू यूएस रिपोर्ट ये ध्यान रखिएगा ठीक है हाँ जी चलो एक बार फिर से खाने पीने की बातें हो जाए देखो एक्सोटिक मैजिक राइस गेट्स जी आई टेक वन मोर जी आई टेक एक और जी आई टेक इसे मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं ये असाम का राइस है ठीक है मैजिक राइस के नाम से इसको जानते हैं मशहूर चावल की ये किस्म है हाल ही में इसको दिया गया है जी आई टेक आपसे पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है बिरयानी याद आ रही है आह हा क्या बात है बिरयानी याद आ रही है चलो याद कर लो कोई बात नहीं ठीक है ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट है क्या नाम है इसका चोकुआ राइस सही है ये है चोकुआ राइस और इसे क्या दिया गया है जीआई टैग दिया गया है जीआई टैग की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं एक्ट 1999 के तहत इसकी शुरुआत होती है डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज के बीच में ये समझौता हुआ था कौन देता है ये टैग ट्रिप्स के द्वारा दिया जाता है इस समझौते के तहत इसको लागू किया इसको रजिस्टर किया गया 2003 के अंदर और सबसे पहले ये दिया गया 2004 के अंदर दार्जिलिंग टी जो है ये पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई मिला है अगर आपसे पूछ लिया जाए 2023-24 के अंदर सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स जो है ये किसको मिले हैं तो अभी केरला था हालांकि ये जो है डाटा अभी आप इसको रहने ही दो क्योंकि उसके बाद काफी सारे स्टेट्स को मिल चुके हैं तो नया वाला डाटा भी आया नहीं है पुराने के हिसाब से देखा जाए भी कुछ दिन पहले जो डाटा आया था केरला है लेकिन उसके बाद तमिलनाडु को काफी सारे ओर जी आई मिले हैं टॉप पे कौन सा स्टेट है तमिलनाडु सेकेंड पे कौन सा स्टेट है यूपी जिसके पास में सबसे ज्यादा जी आई देखने को मिलते हैं है हां जी अब बात करते हैं किसके बारे में असम के बारे में असम के अंदर मिला है इसको जीआई टैग इसे मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है यहीं पे लाल चावल को भी जीआई टैग दिया गया था एक मिला था लाल चावल को जीआई टैग यहीं पे तेजपुर लीची है। क्या है तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला हुआ है एक यहाँ पे जो है गमोसा गमोसा को भी तो जी आई टेक दिया हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है असम के अंदर और किसको मिला हुआ है जोहा राइस जो है जोहा राइस इसको भी जी आई टेक दिया हुआ है एक है काजी नेमू काजी नेमू ये भी एग्रीकल्चर के फील्ड में खाने की चीज है ये भी आपका एक है मूगा सिल्क मूगा सिल्क ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ असम की है इन सारे प्रोडक्ट्स को असम के अंदर दिया गया है जीआई टैग ओके हाँ असम आया है तो दूर तक जाएगा तो गया नहीं दूर तक देखो यहां से लेके यहां तक हम लेकर गए हैं असम को ठीक है अभी रिसेंटली आपने देखा लंगड़ा आम जो है लंगड़ा आम इसको जी आई दिया गया था ठीक है और बनारसी पान जो है इसको जी आई दिया गया था ये कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने ओके चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट बात करते हैं जीरा फूल को जी आई मिला है क्या है जीरा फूल जो है इसे जी आई रिसेंटली दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट के अंदर मिला है छत्तीसगढ़ में कांगड़ा टी को जीआई टैग मिला है इसे कहां पे हिमाचल प्रदेश के अंदर सोहराई ये है सोहराई खोवर पेंटिंग सोहराई खोवर पेंटिंग जो है इसे झारखंड के अंदर जीआई दिया गया है मट्टी बनाना की बात करते हैं रिसेंटली इसको मिला है कहाँ पे तमिलनाडु के अंदर ठीक है तमिलनाडु में इसे जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है सेशन को एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा ठीक है कुछ कुछ चेहरे जो है वो अभी भी नहीं दिखा एक तो नागिन परिवार दो दिन से नहीं आ रहा ये कौन सी रक्षाबंधन बंधन मना रहे हैं भाई हाँ हमारी तो खत्म हो गई है इनकी ना खत्म हो रही आई सी कौन सी ये रक्षाबंधन मना रहे जरा पता तो करो कौन है उनका भाई बहन यहाँ पे है कोई क्लास में देखो फर्स्ट वन इन चार्ज गीतिका श्रीवास्तवा पहली महिला प्रभारी जो है गीतिका श्रीवास्तवा को बनाया गया है गीतिका श्रीवास्तवा पहली महिला प्रभारी के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है यह आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा आंसर कौन सी कंट्री के अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया है विच इज योर आंसर हमारा पड़ोसी क्या नाम है पाकिस्तान तो पाकिस्तान में किया गया है इनको अपॉइंट देखो गीतिका श्रीवास्तव की बात करते हैं सबसे पहले जो गीतिका श्रीवास्तव है ये एक्चुअल में फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन डिपार्टमेंट के अंदर फिलहाल फॉरेन मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर जो है फॉरेन मिनिस्ट्री का वहां पे ये जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं ठीक है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पे काम कर रही थी ठीक है अब पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर जो है इनको प्रभारी अपॉइंट कर दिया गया है यानी कि आप कह सकते हैं एज अ हाई कमिश्नर जो है वो इनको अपॉइंट किया गया है ठीक है ये ध्यान रखिएगा इससे पहले ये चाइना के अंदर भी काम कर चुकी हैं, एज अ राजदूत चाइना के अंदर भी इससे पहले ये काम कर चुकी हैं 2007 से लेकर नौ तक खैर इतनी सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपसे वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा गीतिका श्रीवास्तव किस देश में एज अ हाई कमिश्नर इनको अपॉइंट किया है सिंपल से आपको नाम याद रखना है आ, पाकिस्तान के अंदर अपॉइंट किया, किया है। गया है अच्छा नागलोक में पानी घुस गया है इसलिए नहीं आ पा रहे तो तुम लोगों ने मदद नहीं करी कुछ आनंद तिरुपति जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलो आगे देखते हैं भाई सवालों की तरफ चलते हैं। देखो अभी इंडिया के अंदर सी एफ ओ का अपॉइंटमेंट हुआ है टेस्ला की तरफ से इंडियन पर्सन है जिन्हें एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है अपॉइंट किया गया है आपसे पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है तो क्या नाम हो जाएगा भाई इनका वैभव तनेजा ये मैं करा चुकी हूं पहले भी ओके okay. सिबिक के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए थे इनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल संजय कुमार अग्रवाल का अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे किया गया था एनजीटी के चेयरमैन कौन बने हैं और प्रकाश श्रीवास्तवा कौन है प्रकाश श्रीवास्तव जो है इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ओके okay. लॉन्गेस्ट टाइम सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ये कौन बने हैं? राजीव गोबा इनका नाम है राजीव गोबा सारी की सारी अपॉइंटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक भी माइंड से स्लिप नहीं होना चाहिए कोई ना कोई जरूर आपके पेपर में ये छप सकता है ठीक है हां जी आगे बढ़ लिया जाए चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्रियान सैन वो द क्राउन ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सैन जो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सी खूबसूरत सा चेहरा ये जो है अभी इन्होंने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2023 तो प्रियन सैन के बारे में क्या सवाल बन सकता है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और अभी आयोजन किया जा रहा था इसका सेन ने जहां पर मिस अर्थ इंडिया 2023 को जीत लिया है ठीक है अच्छा इनका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है साथ में और क्या क्या क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयोजन पूछा जाता है आजकल तो आयोजन पूछ लिए जाते हैं किसी भी इवेंट का कहाँ पे हो रहा था दिल्ली के अंदर आपको मिलता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पे जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा था कब किया गया 26 ऑफ़ अगस्त को इसका आयोजन स्टार्ट हुआ था ठीक है तो ये था मिस डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023 ये जो है जिनका नाम है प्रियल सैल मिस राजस्थान भी बन चुकी है ये इस इवेंट से पहले हुआ था मिस राजस्थान तो वहां पर इन्होंने ये वाला टाइटल जीता अगर पूछ लिया जाए लास्ट ईयर किसने जीता था तो लास्ट ईयर की भी बात कर लेते हैं वंशिका परमार ने जीता वंशिका परमार जो है इन्होंने जीता था पिछले साल ठीक है ओके तो इसी इवेंट में मिस इंडिया इंटरनेशनल भी जीता है अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी इवेंट में मिस इंडिया इंटरनेशनल का टाइटल जो है ये किसने जीता है इनका नाम है प्रवीना अंजना प्रवीणा अंजना जो है ये वाला टाइटल इन्होंने जीत लिया है इज इट ओके हाँ अच्छा मिस यूनिवर्स कैसे बनते हैं हमको भी बनना है मिस्टर कृष्णा बेटा लड़कियों के लिए होता है वो मिस है मिस्टर नहीं है ठीक है तुम्हारे भी गोवा में हुआ तो था मैंने बताया था क्यों नहीं गए आयोजन हुआ था उसमें अभी गोवा वाले बीच पे हुआ था मिस्टर इंडिया का आयोजन काहे नहीं गए उसमें सारा प्रोसेस तो तुमको समझाए थे तब तो तुम लोग गए नहीं चलो अब इधर देखो मिस वर्ल्ड 2023 की बात करते हैं 71 जो है मिस वर्ल्ड ये सॉरी अच्छा मिस वर्ल्ड 2023 की बात करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बनी थी चलो इसका आंसर बताओ मिस वर्ल्ड 2023 अभी इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाएगा कश्मीर के अंदर होना है इसका आयोजन ठीक है कब होगा दिसंबर में होगा कहाँ पे होगा कश्मीर में होगा कौन सा एडिशन 71st एडिशन रहेगा जो किया जाएगा अभी दिसंबर के अंदर इंडिया जो है वो इसको होस्ट कर रहा है यानी कि ठीक है ओके मिस मिस इंडिया इंडिया 2023 2023 ये कौन 2023, जो है, ये कौन कौन बताएगा जो है बनी थी नंदिनी गुप्ता क्या नाम है इनका नंदिनी गुप्ता और ये भी कहां से बिलोंग करती हैं राजस्थान से बिलोंग करती हैं मिसेस इंडिया की बात करेंगे मिसेस इंडिया तो ये है चेतना जोशी चेतना जोशी तिवारी जो है वो इनका पूरा नाम है इज इट ओके चलो नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स सेवेंटी फर्स्ट एडिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के अंदर हुआ था ये कौन जीती हैं इनका नाम था आर वोनी गैब्रियल ये कहाँ से बिलोंग करती हैं यूएसए से ये बिलोंग करती हैं आर गैब्रियल जो यूएसएस से बिलोंग करती हैं इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स का सेवेंटी फर्स्ट जो एडिशन रहा हाँ ये चलो ये भी देख लेते हैं पहली मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स ये भी हां जी चलो अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट मिस यूनिवर्स जो है ये कौन बनी थी अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन बनी थी तो क्या नाम है इनका सुष्मिता सेन ये तो आप सभी जानते होंगे ईयर पूछ लिया जाए 1994 हो जाएगा ये तो बनी थी मिस यूनिवर्स अगर मैं बात करूं फर्स्ट मिस वर्ल्ड की फर्स्ट मिस वर्ल्ड की बात करें इंडिया से तो ये रीता फारिया बनी थी सिर्फ इंडिया की बात चल रही है यहां पे दुनिया की बात नहीं चल रही है फर्स्ट मिस वर्ल्ड जो है ये रीता फारिया ये कब 1966 के अंदर तो ये दोनों ईयर भी आपको याद रखने हैं ईयर भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ओके okay? चलो आप चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स गिवन फॉर बीसीसीआई इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मैचेस BCCI के जितने भी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मैचेस होने वाले हैं किसके BCCI के उन सभी के लिए जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी रहेगी ये कौन सी रहेगी ये आपकी अनाउंस हो चुकी है आपसे पूछा जा रहा है आंसर कौन सी कंपनी रहेगी बीसीसीआई क्या है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसे कब बनाया जाता है 1928 ट्वेंटी एट में हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई के वेनखेड़ा स्टेडियम के अंदर हेड आप सभी जानते हैं रोजर बिन्नी है कौन है रोजर बिन्नी जो है वो हेड हो जाएंगे ओके okay. सो so, टाइटल स्पॉन्सर की हम बात कर रहे थे यहाँ पे आई फर्स्ट बैंक है देखो बोला जा रहा है कि बीसीसीआई के जितने भी मैचेस होंगे चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हों चाहे वो डोमेस्टिक मैचेस हो इसमें चाहे दिलीप ट्रॉफी हो गई चाहे दिलीप ट्रॉफी हो गई या फिर या फिर रणजी ट्रॉफी हो गई रणजी ट्रॉफी हो गई और इसमें चाहे कैटेगरी में हो या फिर वोमेन्स कैटेगरी में हो जितने भी मैचेस होंगे इन सभी के लिए जो टाइटल वाला, वाला है ये कौन सा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ये कौन सा हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये स्पॉन्सर करने वाला है तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है ठीक है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कितने साल के लिए मिली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने साल के लिए ये स्पॉन्सरशिप मिली है तीन साल के लिए मिली है कब से टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा फर्स्ट ऑफ सितंबर यानी कि आज से शुरू हो जाएगा और भाई कल है दो सितंबर कल लॉन्च होने वाला है आदित्य एल वन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस जैसे चंद्रयान थ्री पे हमें बहुत खुशी हुई थी पूरा देश झूम रहा था इसरो ऑफिशियल चैनल पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि 80 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लाइव देखा है 80 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा है और कल वाला भी इवेंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कल सूर्ययान जा रहा है अब हमारा तो कल देखते हैं आप हम्म चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हां जी फर्स्ट यूनिकॉर्न ग्रोसरी कंपनी ऑफ 2023 जो है ये कौन सी बनी है मन की बात जो शो आता है मोदी जी का वहां पर उन्होंने अपनी मन की बात जाहिर की और कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में सौ से ज्यादा यूनिकॉन कंपनीज हो अब हमारे देश में सौ से भी ज्यादा जो है यूनिकॉर्न कंपनीज हो चुकी हैं हंड्रेड से ज्यादा पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न कंपनीज है यूएसए दूसरे नंबर पे चाइना और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है फोर्थ पे आ चुका है ब्रिटेन अब सिर्फ 2023 के पूछा जा रहा है कौन सी कम यस जैप्टो करेक्ट बहुत अच्छा जैप्टो कंपनी बनी ग्रोसरी कंपनी है ट्वेंटी सेकेंड जो फीफा मैं वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था ये कहां पर किया गया इसका बता दो मुझे ट्वेंटी सेकेंड वाला फटाफट से और किसने जीता ये भी बता दो हाँ हाँ फूड कंपनी है खाना वाना सब यहीं से मंगवाते हो यस यस आगे आ जाओ जेप्टो से आगे अभी ट्वेंटी सेकेंड वाला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जो कि पे कतर के दोहा में इसका आयोजन किया गया था ठीक है किसने जीता इसको ये जीता है अर्जेंटीना ने किसने जीता इसको अर्जेंटीना ने जीता किसको हरा के जीता ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा फ्रांस को हरा करके इसको जीता था यहाँ पे गोल्डन बॉल जो है ये कौन बने थे गोल्डन बॉल की बात करते हैं तो ये था लियोनल मेसी लियोनल मेसी और अगर आपसे पूछ लिया जाए गोल्डन बोट के बारे में ये भी टेंट है गोल्डन बूट पूछ लिया जाए यहाँ पे तो ये कौन बने थे एम जो कहा से बिलोंग करते हैं फ्रांस से का नाम याद रखेगा ये कहां फीफा वर्ल्ड कप 2023 ये वाला नेक्स्ट आपका जो वोमेन्स वाला वर्ल्ड कप है आपका इसका जो आयोजन है ये कहा किया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में किया गया था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने क्या किया इसको होस्ट किया अच्छा जीता किसने स्पेन ने जीता किसको हरा के जीता इंग्लैंड को हरा के इंग्लैंड को हरा कर जो है ये जीता था अगर मैं आपसे पूछूं सेवनटी सिक्स संतोष ट्रॉफी जो है ये किसने जीती कर्नाटका ने जीता संतोष ट्रॉफी भी किस में दी जाती है फुटबॉल में दी जाने वाली ट्रॉफी है ये फुटबॉल में दी जाती है हाँ जी चलो भाई एक बार फिर से आ गया है आपका क्या मीटिंग मीटिंग क्या हुआ है अभी ऑर्गेनाइज किया गया है ट्वेंटी सिक्स मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल एट गांधीनगर इन गुजरात आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो आयोजन है वो किसने किया है आंसर आपसे पूछा जा रहा है इसका जो आयोजन है वो किसने किया अब चलो ये वाला जो क्वेश्चन है वो पहले ध्यान से समझिएगा देखो किसकी बात चल रही है जोनल काउंसिल की बात चल रही है ठीक है रीजनल काउंसिल की बात चल रही है तो हमारे देश में क्या बनाया गया था रीजनल काउंसिल की मीटिंग होती है समय समय पर 1956 के अंदर इसकी स्थापना होती है 1956 में इसको बनाया गया चार जगह पे पांच जगह पे इसके मिलते हैं। ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया नॉर्थ में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर साउथ की बात करते हैं दक्षिण भारत का कहाँ पे मिलेगा चेन्नई के अंदर मिलेगा कहाँ पे चेन्नई में ईस्ट वाला मिलेगा कोलकाता के अंदर इसका कोलकाता के अंदर और वेस्ट वाला जो है ये मिलेगा मुंबई के अंदर ठीक है चार हो गए एक मिलता है मिडिल इसका हेडक्वार्टर मिडल वाला ये मिलेगा आपको प्रयागराज के अंदर यह मिलता है प्रयागराज में तो कितने रीजनल काउंसिल हो गए इसकी पांच जो है वो रीजनल काउंसिल हो गई लेकिन एक और अभी रिसेंटली जो है वो बनाया गया है एक सिक्स जो है और अभी एक रीजनल काउंसिल जो है वो बनाई गई है अच्छा आपसे पूछा जाएगा ये कब बनाई गई थी तो ये जो है आठ राज्यों को मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई थी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को बनाया गया इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको शिलोंग के अंदर मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा ठीक है जो इसको बनाया गया तो इसके लिए एक्ट आता है 1971 और इसके लिए 1956 दोनों एक्ट जरूर याद रखिएगा 1971 के तहत जो बनाया गया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ये कहां पे बनाई गई शिलोंग के अंदर बनाई गई ठीक है अभी क्या हो रहा है 26 नंबर की मीटिंग हो रही है आपसे पूछा जा रहा है इस मीटिंग को कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है गांधीनगर में कहाँ पे गांधीनगर गुजरात की कैपिटल यहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है काउंसिल होती है परिषद होती है ठीक है तो इनकी समय समय पर मीटिंग्स होती हैं काउंसिल की तो उसके लिए क्या है अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे समय समय पर मीटिंग होती है जरूरत के हिसाब से और फिर इनके क्या बनाए हुए जो है वो बनाए हुए हैं तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि, कि किसने जो है इसको आयोजित किया है अमित शाह जिनके पास में आपको कौन सी होम मिनिस्ट्री मिलती है अमित शाह जी ने इसको आयोजित किया चलिए सवालों की तरफ चलते हैं बताओ ग्राफिनी अरोरा जो प्रोग्राम है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था केरल से लॉन्च किया ग्रेफाइट के सबसे छोटे यूनिट ग्राफिनी होता है ये वजन में इतना हल्का होता है कि इसका यूज हेलीकॉप्टर बनाने में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए वायरिंग में किया जाएगा और कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है इसके रिसर्च के लिए एक प्लांट बनाया जा रहा है कौन सी जगह पे केरल में कोची में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया उसी के लिए जी ट्वेंटी का फोर्थ हो। ये हो जाएगी ट्रेड मीटिंग परेड आ गया है ये ट्रेड मीटिंग जो है ये कहां पर आयोजित की गई जयपुर के अंदर इससे पहले तीन मीटिंग भी पूछी जा सकती है कहां कहां पर इनका जो आयोजन है वो किया गया मुंबई में किया गया एक आपका बेंगलुरु के अंदर किया गया और एक किया गया केवड़िया के अंदर गुजरात में इज इट ओके चलो नेक्स्ट डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो समिट हुआ था डिजिटल इकोनॉमी पे जो समिट हुआ ये कहाँ पे हुआ कर्नाटका में जी ट्वेंटी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया और अभी दिल्ली के अंदर आयोजन किया जाना है आठ से लेकर के दस सेप्टेम्बर जी ट्वेंटी का दिल्ली में जोरों शोरों से जो इसकी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं अभी किया जाएगा इसका आयोजन हां जी नेक्स्ट वाली न्यूज देखते हैं इंडियन इंग्लिश पॉइंट थे ये जयंत महापात्रा अभी क्या है इनका निधन हो चुका है और इनका नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर समझिएगा भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का अभी 95 फाइव इन की एज में क्या है इनका निधन हो गया अब ये नाम इंपॉर्टेंट कैसे है वो सुनो देखो एक्चुअल में क्या है ना कि अंग्रेजी भाषा में उपन्यास के लिए साहित्य पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकाडमी पुरस्कार को जीतने वाले ये पहले भारतीय थे इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट है तो इनको मिला था इनकी कोई नॉवेल भी रही होगी किसके लिए मिला था नोवेल का नाम आपसे पूछा जाएगा तो ऐसा नाम है कि कभी भूलोगे ही नहीं मतलब ऐसा नाम है कि कभी भूलोगे नहीं रिलेशनशिप क्या नाम है इनकी नोवेल का रिलेशनशिप नाम है इनकी नोवेल का ये इनकी नोवेल आई थी जिसके लिए इन्हें सबसे पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है दिया गया था ईयर कौन सा था नाइनटीन एटी वन के अंदर ये वाला अवार्ड इनको मिलता है अभी इनकी डेथ हो चुकी है इसलिए क्या है इनका नाम इम्पॉर्टेंट है अब न्यूज में रहेगा तो पूछा जाएगा चलो अभी सी आर राव जो है इनकी भी डेथ हो चुकी है ये बहुत ही फेमस जो है मैथमेटिशियन रह चुकी है ये फेमस मैथमेटिशियन जो है रह चुके मैथमेटिशियन गणितज्ञ के रूप में इन्होंने काम किया है और सांख्यिकी विद भी रह चुके हैं स्टैटिस्टिक भी रह चुके हैं ठीक है तो ये याद रखिएगा अच्छा नीलमणि फूकन का भी निधन हो चुका ये 56 विनर थे ऑफ ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑफ ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड ये इन्होंने जीता जो 56 वाला एडिशन था वो इन्होंने जीता था ठीक है नेक्स्ट नाम आप देख रहे हैं दिलीप महालोबिस ये माने जाते हैं खोजकर्ता ओ आर एस घोल जो है ना ओ आर एस घोल इसके खोजकर्ता है इसकी खोज इन्होंने करी थी इसका जो इन्वेंशन है वो इन्होंने किया था ठीक है बाल कृष्ण दोषी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा ये फेमस आर्किटेक्चर रह चुके हैं इनका भी निधन हो गया फेमस वास्तुकार या फिर कहोगे आर्किटेक्चर के रूप में ये काम कर चुके हैं इनको अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो ये कुछ नाम है जिनका रिसेंटली निधन हुआ है ध्यान रखिएगा आगे हाँ जी आज तो खाने पीने की बातें बार बार नहीं आ रही है कुछ कुछ ज्यादा आजकल तो खाना खाना आ रहा है न्यूज़ में देखो चीफ मिनिस्टर सो फ्री फ्री स्कीम इन डिस्कशन चर्चा में रहा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब बच्चों के साथ में बैठ के ही नाश्ता कर रहे हैं ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री पहचान पाया कोई हम्म <laughs> हाँ लेकिन मैथ्स सॉल्व करने वाले हमारे लिए छोड़ गए हैं अरे भाई काहे का इतना रोना है तुम अकेले थोड़ी ना हो सब हैं यहाँ पे जो याद करते हैं चीजों को ठीक है पढ़ाई को तो ऐसे बोलते हो कि मैडम ये सब चले गए हमारे लिए छोड़ गए हैं इतनी सारी पढ़ाई बेटा तुम अकेले थोड़ी हो फिर सब लोग है हाँ जी तो बिल्कुल तमिलनाडु के ये सीएम हैं ठीक है तमिलनाडु के ये सीएम हैं एम है, के स्टालिन जो है इन्होंने लॉन्च किया है नाश्ता योजना का विस्तार किया गया है ये जो योजना है नाश्ता योजना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब से होती है कब इस योजना को लाया गया था तो ये अभी की योजना नहीं है पिछले साल लॉन्च किया गया था इसको कहाँ से मदुरई से लॉन्च किया गया था इसको मदुरई से इसको लॉन्च किया गया था क्या बोला गया था इसमें कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के और फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जा रहा था फ्री ब्रेकफास्ट दिया जा रहा था क्या दिया जा रहा था फ्री ब्रेकफास्ट दिया जा रहा था ठीक है अब क्या हुआ है अब क्यों चर्चा में है जब लॉन्च कर दिया था 2022 में अब देखो अब ये बोला जा रहा है कि जो नाश्ता योजना है इसमें जो ब्रेकफास्ट बच्चों को दिया जाता है जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स को अभी तक ये सिर्फ तमिलनाडु के अंदर काम कर रही थी योजना अब ये बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन सभी में इसको लागू करेंगे हम यानी कि पूरे देश में पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा इसके लिए ये जो है चर्चा में रही है यानी कि अब ये सेंट्रल लेवल पे आ गई है योजना ठीक है तमिलनाडु से निकलकर सेंट्रल लेवल पर यह योजना आ चुकी है अब सब बच्चों को नाश्ता मिलेगा हाँ जी अब बताइए लाडली बहना योजना लाडली बहना योजना मैडम याद मत दिलाओ लाडली बहनियों ने बहुत लूटा है हमको हाँ चलो बताओ फटाफट पड़ से ये जो योजना है कौन से स्टेट इस ने इसको लॉन्च किया था इसमें क्या था एक हजार रुपए से बढ़ा करके जो अमाउंट है वो कितना कर दिया है बारह सो पचास रुपये पर मंथ ये अमाउंट कर दिया गया है और साथ में क्या बोला गया है थर्टी फाइव परसेंट का रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा साथ ही साथ में जो रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन है वो साढ़े चार सौ रुपए का किया गया है सिर्फ सावन के महीने में बिल्कुल सही है एमपी ने इस योजना को लॉन्च किया है ठीक है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऑफ इंडियन ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन बने संजीव कपूर शेफ शेफ है ना जो संजीव कपूर इन्हें ब्रांड एम्बेस्डर बनाया गया है सुनी योजना ये कहाँ पे आती है गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया गया पीएम कृषि सिंचाई योजना ये कहाँ पे आती है पीएम कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं जो कि प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के लिए तो लॉन्च किया था कोई पर्टिकुलर स्टेट थोड़ी ना था ईयर पूछा जा सकता है 2015 में इसको लॉन्च किया गया रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम ये कहां पे आती है छत्तीसगढ़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया था तो ये सारी योजनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है इज इट ओके हां जी अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ इंडिया का एक नया वॉरशिप जो है ये लॉन्च किया गया है इसका नाम है महेंद्र गिरी तो पूछा जा रहा है फर्स्ट सेप्टेम्बर से इसको लॉन्च किया गया कहाँ से आज से ही इसको लॉन्च किया जाएगा तो आपको ये बताना है कि कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है दैट इज मुंबई देखो वन्स अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75 इसमें रखे गए थे सात वॉरशिप कितने सात वॉरशिप रखे गए थे जो सिक्स्थ वाला वॉरशिप था यहाँ पे ये कौन सा था विंधगिरी विंधगिरी सिक्स्थ वाला वॉरशिप लॉन्च किया गया था अच्छा अभी कौन सा है सेवंथ वाला है जो लास्ट वाला है ये अब लॉन्च किया गया है इसका नाम है महेंद्रगिरी इसका नाम है महेंद्र गिरी तो आप कहोगे बाकी पांच कौन से हैं बाकी पांच के बारे में बात करते हैं प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट एक सेकेंड एक सेकेंड वेट 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 सेवेंटी फाइव नहीं सेवनटीन ए है। तुम लोग भी थोड़ा सा जागते रागुरु क्लास के अंदर ठीक है चलो तो ये जो था आपका प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए के अंदर इसको लॉन्च किया गया है इसका शुभारंभ हो गया है आप देखो क्या क्या सवाल बनेगा सबसे पहले इसका जो शुभारंभ है ये किसने किया तो इनका नाम है सुदेश धनखड़ ये कौन है सुदेश धनखड़ जगदीप धनखड़ की वाइफ है जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ है इन्होंने इसको लॉन्च किया है मुंबई मझगांव डोक शिपयार्ड लिमिटेड जो है वहां से इसको लॉन्च कर दिया गया है ठीक है और सिक्स वाला मैंने आपको ही दिया था अब बात करते हैं फर्स्ट से लेकर के और जितने भी लॉन्च किए गए हैं वो एक एक करके सुनते चलिएगा कौन कौन से इसमें आ चुकी हैं सबसे पहले इसमें आया था हिमगिरी हिमगिरी फिर आया था इसके अंदर उदयगिरी हिमगिरी हो गया उसके बाद उदयगिरी फिर आया है तारागिरी 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 के बाद में आया था आपका नीलगिरी नीलगिरी हो गया अच्छा उसके बाद हो जाएगा आपका विंधगिरी विंधगिरी के बाद में वन टू थ्री फोर फाइव हो गए और मैंने दो पहले आपको बता दिए हैं अच्छा एक और था आपका दुनागिरी अच्छा विंद रिपीट हो गया है दुनागिरी लिखो दुनागिरी तो ये सात गिरी हैं फर्स्ट से लेकर के और सेवंथ तक टोटल अभी सेवेंथ वाला जो है ये यहाँ से लॉन्च किया गया है कहाँ से मुंबई से अच्छा एक चीज याद रखिएगा जो मुंबई से लॉन्च किए गए हैं टोटल वो कितने हो जाएंगे तो चार वॉरशिप तो मुंबई से लॉन्च किए गए हैं चार जो वॉरशिप हैं ये तो लॉन्च किए गए हैं मुंबई से और बाकी के तीन जो हैं ये कोलकाता कोलकाता गार्डन रिच शिप और इंजीनियरिंग लिमिटेड से लॉन्च किए गए हैं इस तरह से सेवन हो जाएंगे तो पूछा जाएगा प्रोजेक्ट सेवनटीन ए के अंदर कितने वॉर्डशिप हैं आप कहोगे सात वॉर्डशिप है सेवेंथ वाला पूछ लिया जाए तो सेवेंथ वाला महेंद्रगिरी सिक्स्थ वाला विंद ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल बन सकता है ओके टोटल हो जाएंगे आपके यहां पे सेवन चलो अब चलते हैं सवालों की तरफ बताइए हम्म प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए ये हो चुका है आपका ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है अब मुझे बताइए आप प्रोजेक्ट फिफ्टीन ए के अंदर कौन कौन से आई एन एस है इसमें मिलेगा आपको आई एन एस कोलकाता मिलेगा आई एन एस कोची और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे आई एन एस चेन्नई ठीक है प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के अंदर कितने आई एन एस है चार आई एन एस थे कौन कौन से आई एन एस वाइजेक एक था आपका आई एन एस सूरत आइनस इम्फाल हो जाएगा और एक है आइनस गोवा गोवास मोरम गोवा ये चार आइनस आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको छह सबमरीन मिलती हैं इसमें मिलेंगे छह सबमरीन ये कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया था इसमें तीन के से स्टार्ट हो रही है और तीन वी से स्टार्ट हो रही है जो की से स्टार्ट हो रही है ये कौन कौन सी हैं आयनएस कलवरी कलवरी हो गया एक हो जाएगा खंडेरी एक हो जाएगा करंज ठीक है और जो तीन से स्टार्ट हो रही है ये कौन कौन सी हैं वी से हो जाएगा वेला हो गया एक आपका वगशीर हो जाएगा वगशीर और एक हो जाएगा वजीर जो आयन वजीर है इसने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक समय तक तैनात होने का और सात हजार किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके भागे भागे कहाँ गई थी ऑस्ट्रेलिया गई थी ठीक है तो वजीर वाला जो नाम है आईनेस ये रहेगा इम्पोर्टेंट इसको ध्यान रखिएगा इज इट ओके किसी को कोई दिक्कत यहां तक ओके okay. चलो सो आई थिंक दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सेशन और अब बारी है होमवर्क की ये रहा आपका होमवर्क ठीक है इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है कल काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया मुझे देख के बहुत अच्छा लगा मैंने सबके कमेंट्स को लाइक like भी किया है सब लोगों का आंसर एकदम सही था आज भी सब लोगों का आंसर यहाँ नहीं करना है क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट करना है आप सभी को ओके और इसके अलावा आपको मैं बता दू कि अभी जो है कुछ एग्जाम्स आपके कुछ एग्जाम्स को लेकर के नोटिफिकेशन आया हुआ है तो जैसे कि कल ही मैंने देखा एमपी मेट्रो के लिए आया हुआ है ठीक है तो अपने ना एग्जाम्स की तैयारी तो कर ही रहे हो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो उसके अलावा थोड़ा सा ना आप लोग ये भी देखा करो कि कौन कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं है ना ये नहीं है कि बस एक एग्जाम को पकड़ के बैठ गई आप देखो इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है सिलेबस जो होता है वो ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है ऑलमोस्ट सेम होता है थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है तो उस चीज का फायदा उठाओ मल्टीपल एग्जाम्स दो ठीक है आपके पास में बहुत सारा सिलेक्शन का होगा कि इसमें सिलेक्शन हो गया उसमें हो गया तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा तो अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया है एमपी मेट्रो का तो उसमें काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है मैंने सुना है तो उसको एक बार देखिएगा और आ, कल सर ने एक वीडियो बनाई थी उसमें इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है तो उसको आप देखिएगा वो चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो तो वहां पे जाके देखिएगा अब वो सारे स्टूडेंट्स जो पेड बैच में आना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि कैसे आपको करना जैसे कि अगर आपको सिलेबस करना है है ना तो बिना सिलेबस के तो आगे काम होगा नहीं सिलेबस करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा तो add 247 जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर सकते हो नहीं तो आप Google Chrome से ओपन कर सकते हो और फिर फर्स्ट वाली वेबसाइट पे कर दीजिएगा क्लिक और उसके बाद आपको जाना है ऑल कोर्सेस पे यहाँ पे देखोगे आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा ये गवर्नमेंट एग्जाम्स है स्टेट एग्जाम्स से, का सेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पर उसके बाद जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं किया है सिर्फ उनके लिए है बैचेस जो सिलेबस कर चुके हैं वो सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी करें जो प्रैक्टिस सीरीज आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं बस उन पे फोकस करें ठीक है आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है बैच उनको लेना है जिन्होंने अब तक सिलेबस भी करना है डीडीए का फॉर्म कैंसिल हो गया मेरा पूरा ऑफलाइन सबमिटेड दिखा रहा है लास्ट में लाइन सबमिटेड तो दिखा रहा है ना फिर कैंसिल कहा हो गया तो यहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट करना है आपको सबसे पहले कि कौन से एग्जाम कर रहे हैं अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ब्रांच पहले सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद इंजीनियरिंग महापैक पे जाना है आपको इसमें मल्टीपल एग्जाम्स हैं दो साल की वॉलिडिटी रक्षाबंधन पे हम लोगों ने डबल वॉलिडिटी का ऑफर दिया हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डबल वॉलिडिटी का ऑफर चल रहा होगा ये देखो डबल वॉलिडिटी ठीक है तो डबल वॉलिड साथ में डिस्काउंट भी मिलेगा आपको यहाँ पे व्यू ऑफर्स पे जाइएगा और जैसे व्यू ऑफर्स पे जाते कोड आपसे मांगा जा रहा है वाई सेवन सेवन फोर ये आपको फिल करना है अप्लाई करोगे तो साढ़े तीन हजार में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा ये सिर्फ एक, एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं है जो आपका महापैक होता है ना उसका फायदा ये होता है कि आप सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हो आपको चाबी दे दी गई एप्लीकेशन की जिस भी बैच में जाके क्लास लेना चाहो आप ले सकते हो तो इसके अंदर आपको जो ऊपर वाले कोड दिए हुए हैं ये यूज नहीं करने हैं इसमें आपको कम मिलेगा ये यूज करना है सिर्फ सेवन सेवन फोर चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करें अगर आपके भाई बहन किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंक एसएससी वगैरह तो उसमें भी यही वाला कोड एप्लीकेबल होगा इसमें सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट आपको मिलता है, ठीक है? 78 का डिस्काउंट आपको यहां पे है। चलो सो so और कुछ किसी को पूछना है मिस्टर आशिक बेटा तुम पहले तो नाम अच्छा सा रख के आओ घर वालों ने अच्छा सा नाम दिया होगा उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको जो नाम रोशन करने जा रहे हो ना उसी नाम के साथ क्लास में आना चाहिए ऐसे नहीं कि कुछ भी उठ पटांग नाम करती तो तुम्हारा नाम लेने का मन नहीं करता अब देखो नाम रखा इसने आशिक मतलब किस फीमेल टीचर का मन करेगा नाम लेने का हाँ तो तुम तो छिछोरी तो हरकतें करते हो ना उसको छोड़ दो इंजीनियर तुम लोग बनने जा रहे हो लेकिन हरकतें तुम्हारी आप फिर मैं कुछ बोल दूंगी फिर कंप्लेन करते हो मैडम बोलती है लेकिन भैया कोई ना सुनने वाला तुम्हारी ऐसी कंप्लेन मुझे यहाँ पूरी छूट दी हुई है ऐसे बच्चों को मैडम जो बोलना है वो बोलो ओके तो कोई फ़ायदा है नहीं फिर अपना बस थोड़ा सा फोकस किया करो इस चीज़ के ऊपर पास क्लासेस कहाँ मिलेंगी आपको प्ले लिस्ट बना होगा यूट्यूब पे जाइए प्ले लिस्ट पे जाइए प्ले लिस्ट में आपको सारी पुरानी जो क्लासेस है वो मिल जाएंगे ठीक है अच्छा इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स पेड बैच वाले वो आ जाओ भाई फटाफट से पाँच मिनट बची हैं पेड क्लास में आपका ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है और बाकी सारे यूट्यूब वाले बच्चों से अब हम आ, मुलाकात करेंगे ग्यारह बजे प्रैक्टिस सेशन में ठीक है चलो ओके okay so गाइस फिर जाने से पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स थे आज वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे ताकि मेरी नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे टेक केयर बाय बाय